Hello students, in our earlier video we have discussed about the political and economic crisis and the effect of the war in the birth of Weimar Republic. तो हमने अपनी लास्ट वीडियोस में हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से Weimar Republic का जन्म हुआ और उसके बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसका क्या इफेक्ट हुआ था जर्मनी पर. ठीक है, एंड हमने ये भी पढ़ा कि जो जर्मनी थी वहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन भी हुए और वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस भी हुआ. आज हम पढ़ेंगे द ईयर ऑफ डिप्रेशन, यानी मंदी के जो साल था, यानी जो यूरोप में जर्मनी में मंदी कैसे आई और किन साल के बीच में आई. तो स्टार्ट करते हैं बेटा. हम देखते हैं कि 1924 से लेकर 28 तक का जो ईयर है वहाँ पर जर्मनी में जो था वो स्टेबिलिटी था, यानी स्थिरता थी. लेकिन हम ये कहें कि जैसे हर एक चीज़ जो है बेटा कि वो नहीं स्थिर रह सकती, यानी वो हर एक स्टेबल नहीं रह सकती है, तो ऐसे ही जर्मनी की जो स्टेबिलिटी थी वो 1924 से 28 तक तो थी, लेकिन उसके बाद स्टेबिलिटी वहाँ की बिल्कुल ख़त्म होती जा रही थी. वो एक सैंड पर बिल्ट थी, यानी सैंड का जो टीला होता है, रेत का जो ढेर होता है उसके ऊपर थी. जर्मनी के जो इन्वेस्टमेंट थे वो कहाँ से होता था, जर्मनी पर जो इन्वेस्टमेंट था वो सारा अमेरिका से जो कर्ज लिया गया था उस पर था. ठीक है, उसकी जितनी भी गतिविधियाँ होती थी, जो उनकी इंडस्ट्रियल रिकवरी होती थी वो टोटली डिपेंड थी जो कि यूएसए से शॉर्ट टर्म पर लोन लिया हुआ था. और ये लोन जो था ये कहाँ से था, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज. ठीक है, तो 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो बिल्कुल क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया. ठीक है, क्रैश हो गया उसका. अब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था, यहाँ ये अमेरिका का सबसे बड़ा शेयर बाजार था. ठीक है, तो वहाँ से जो जब वो ख़त्म हो गया तो उसके बाद क्या होने लगा कि जर्मनी में जो उसको सहायता मिल रही थी वो बिल्कुल मिलनी बंद हो गई. और लोगों ने क्या किया, जब सहायता मिलनी बंद हो गई तो जर्मनी की जो मुद्रा थी, जो करेंसी थी, उसमें गिरावट की संभावना को देखते हुए कि भाई अब ये वर्ल्ड स्ट्रीट एक्सचेंज जो है ये जब ख़त्म हो गया है तो इससे क्या है, हमारी कीमतों में गिरावट आएगी, तो लोगों ने अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए. और एक ही दिन में, अक्टूबर में, यानी 24 अक्टूबर को एक दिन में 113 मिलियन शेयर्स जो है वो बेच दिए गए. और इससे क्या था, यहीं से शुरुआत होती है जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की, आर्थिक महासंधि संकट की. ठीक है, ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर, अगर हम अगले 3 सालों में देखें, यानी 1929 से लेकर 32 तक, तो जो नेशनल इनकम थी यूएसए की वो लगभग आधी रह गई थी. ठीक है, फैक्ट्रीज शट डाउन, फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, एक्सपोर्ट्स फेल, जो एक्सपोर्ट था वो कम हो गया था, फार्मर वर्क बैडली हिट, फार्मर को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, और जो सट्टेबाज थे वो मार्केट से क्या था, पैसा खींच रहे थे. अमेरिका की जो इकोनॉमी थी उस पर, अमेरिका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था इसका इफेक्ट हमें पूरे वर्ल्ड पर देखने को मिलता है. जर्मनी इकोनॉमी वाज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस, और जर्मनी पर भी इस इकोनॉमिक क्राइसिस का सबसे बुरा असर पड़ा. 1932 में जर्मनी का जो प्रोडक्शन था वो 40% कम हो गया था. ठीक है, 32 में, और 29 के मुकाबले कितना रह गया था, यानी 40% तक था. 32 से जो 1932 में जो जर्मनी का प्रोडक्शन था वो 1929 के मुकाबले 40% रह गया था. वर्कर्स ने अपनी जॉब जो है उनको जॉब से हाथ धोना पड़ा था, और उनके जो मजदूर लगे हुए थे उनके जो वेजेस थे, उनका जो वेतन था, सैलरी थी, उसमें भी गिरावट आई थी. जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग थे, अनएम्प्लॉयड थे, उनकी जब लोगों ने जॉब अपनी उनकी जॉब छूट गई तो अनएम्प्लॉयमेंट लोगों की जो संख्या थी वो कहाँ तक पहुँच गई थी, 6 मिलियन तक. और ऑन द स्ट्रीट ऑफ द जर्मनी यू कुड सी मैन विद प्ले कार्ड राउंड देयर नेक सेइंग विलिंग टू डू एनी वर्क. हम देख सकते हैं कि जर्मनी में क्या होने लगा था फिर, कि सड़कों पर बहुत सारे लोग अपनी गले में एक
तख्ती लटकाए हुए खड़े थे और उस तख्ती के ऊपर क्या लिखा है, वो लिखा करते थे कि मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। यानी अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी, लोग जो है तख्ती डालकर खड़े हो जाते थे और वहाँ पर लिख रहे थे कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। और जितने भी यूथ थे, जो अनएम्प्लॉयड यूथ थे, वो क्या, वो या तो ताश खेलते रहते थे या फिर वो नुक्कड़ पर खड़े हो जाते थे, ठीक है, क्योंकि उनके पास वर्क तो था नहीं, तो खाली टाइम स्पेंड करने के लिए वो ताश खेलने लगते थे या जो है नुक्कड़ पर खड़े हो जाते थे। और डिप्रेसली यूकनिस्ट अप टू लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, और या फिर वो जो रोजगार दफ्तर होते थे जो जहाँ पर उनको रोजगार दिलाया जाता था, वहाँ पर लंबी लंबी कतार में खड़े हुए दिखाई देते थे। लेकिन जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी थी वो ख़त्म होती गई, तो जो यूथ थे वो कहाँ जाने लगे, अब उनके पास जॉब तो थी नहीं, तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जाने लगे और एंड टोटल डिसअपीयर बिकम कॉमन प्लेस। और वो क्या है, उनके चारों ओर उन्हें हमेशा ही क्या था, डिस्पेयरनेस दिखती थी, यानी उनको चारों तरफ निराशा ही निराशा दिखती थी। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट डीप एनेक्शन एंड द फियर इन द पीपल। इकोनॉमिक क्राइसिस ने लोगों के मन में एक बहुत ही अलग तरह की बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे जो करेंसी थी वो अपनी वैल्यू खोती गई, तो जितने भी मिडिल क्लास के लोग थे या जिनको सैलरी मिलती थी या जिनको पेंशन के ऊपर जो डिपेंड थे, उनका क्या हुआ, वो उनकी जितनी भी बचत थी वो उनकी बचत क्या है, कम होती जा रही थी। जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे उनके जो बिजनेस थे वो बंद होते जा रहे थे, जो अपने काम में लगे हुए थे या जो रिटेलर थे उनकी स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो अब ठीक है वो भी, तो और इसके अलावा क्या है, तो ये जो सेक्शन थे, दी सेक्शन सोसाइटी वर फील्ड विद द फियर ऑफ प्रोलेटेरियनिज़म एंड एनेक्सिटी ऑफ बीइंग रिड्यूस द रैंक ऑफ वर्कर क्लास एंड रोज स्टिल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इससे क्या हुआ, समाज के ये जितने भी वर्ग थे उनको क्या, प्रोलेटेरियनिज़ेशन यानी सर्वहाराकरण का डर उनको लगने लगा था। अब सर्वहाराकरण क्या होता है बेटा, सर्वहाराकरण होता है कि जो है लोग इतने गरीब हो जाते हैं कि वो गरीब होते होते मजदूर वर्ग की स्थिति में पहुंच जाते हैं, यानी इकोनॉमिक रूप से वो मजदूर वर्ग बन जाते हैं, ठीक है। तो लोगों को यही डर लग रहा था, उन्हें डर था कि अगर ये स्थिति रही तो वे भी एक दिन मजदूर ही बन जाएंगे, या हो सकता है कि उनके पास कोई काम काज ही ना रहे, यानी उनके पास काम नहीं रहेगा तो, या वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। ओनली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर कुड मैनेज टू कीप देयर हेड अबव वाटर, बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर। जो मजदूर थे, मतलब उनको जब ये डर लग रहा था कि वो भी ऐसे ही बन जाएंगे मजदूर, मतलब जो लोग थे वो मजदूर की स्थिति में बन जाएंगे अगर उन्हें काम नहीं होगा, तो उसके बाद क्या हुआ, लेकिन अब भी सिर्फ संगठित जो मजदूर थे, जो आपस में संगठित होकर रह रहे थे, उनकी स्थिति भी अब, यानी उनकी हिम्मत भी अब जो है उनको भी हिम्मत जवाब देने लगी थी। और अब जो मजदूरों, परंतु जो बेरोजगार थे, बेरोजगारों की बढ़ती जो उनकी आबादी थी वो बढ़ रही थी और मोल भाव क्षमता को भी वो चोट पहुंचा रही थी, ठीक है, यानी उनके जो मोल भाव होता था उसको भी वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रही थी। नेक्स्ट है हिटलर राइज टू पावर, हिटलर का उदय, यानी कैसे हिटलर का राइज हुआ। द क्राइसिस इन द इकोनॉमिक पॉलिटिकली सोसाइटी फॉर्मेट बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर। जो इकोनॉमी में, जो पॉलिटिक में या फिर जो सोसाइटी में जो संकट आ रहा था, उसकी वजह से हिटलर के सत्ता में आने का जो मार्ग था, जो रास्ता था, वो ईजी होता जा रहा था। 1889 में ऑस्ट्रिया में जो हिटलर
ऑस्ट्रिया में हिटलर का जन्म हुआ था, और उसकी युवावस्था भी, जो उसके यूथ था वो भी बहुत ही गरीबी में निकला था। रोजी रोटी का उसके पास कोई भी जो था साधन नहीं था, और जिसके कारण वो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में के आरंभ में ही उसने अपना फौजी भर्ती के लिए नाम अपना लिखवा दिया था। यानी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो वो उसने अपना नाम भी फौजी भर्ती होने के लिए लिखवा दिया था। ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीनेम्ड इट द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर। और उसने क्या किया, भर्ती के बाद उसने जितने भी संदेश, उसने संदेश वाहक के का काम किया और कॉर्पोरेल बना, वहाँ का कॉर्पोरेल बना, और बहादुर के साथ उसने बहुत सारे मेडल भी लिए। ठीक है, लेकिन जब जर्मनी हार गई तो उससे उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। लेकिन जब वर्साइल की ट्रीटी जो थी उससे तो वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आग बबूला हो गया था। 1999 में जर्मनी के जो वर्कर्स थे उन्होंने एक छोटी सी पार्टी बनाई, और ठीक है, तो जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम के छोटे से समूह की सदस्यता को उसने ले लिया 1919 में। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना जो है कंट्रोल कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया। इसके बाद क्या था, यह पार्टी बाद में नाजी पार्टी के नाम से जानी जाती है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, जो 1999 में जो जर्मन वर्कर्स पार्टी थी, ठीक है, उसमें हिटलर ने ज्वाइन किया था। उसके बाद उसने धीरे धीरे इस पर अपना कंट्रोल कर लिया, उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया, ठीक है, लेकिन बाद में इसका नाम भी बदल कर नाजी कर दिया गया। इन 1923 हिटलर प्लान सेज कंट्रोल बैवेरिया। 1923 में हिटलर ने प्लान किया कि वो बैवेरिया को अपने कंट्रोल में ले लेगा, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर। और वो क्या करेगा, जब उसने ये कर लिया तो उसने कहा कि वो वहाँ जाएगा और बर्लिन के ऊपर चढ़ाई करेगा और उसको उसकी सत्ता पर अपना कब्जा करने की वो प्लानिंग करने लगा। लेकिन ये जो उसकी प्लानिंग थी बर्लिन को अपने कैप्चर में करने की, ये जो है फेल हो गई, ठीक है। और उसके बाद उसको क्या कर लिया गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन बाद में उसको रिलीज़ भी कर दिया गया, ठीक है। यानी उसके ऊपर जब उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो उस पर उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाने के बाद उसको रिलीज़ कर दिया गया। नाजी जो उसका पार्टी थी, नाजी कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल द अर्ली 1930। जो नाजी जो पॉलिटिकल पार्टी थी 1930 के अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो जनता को बहुत बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। लेकिन ये जो क्राइसिस के दौरान था इसमें नाजीवाद ने एक जो है जन आंदोलन का रूप ले लिया था। और 1920 जैसे कि हम देख ही चुके हैं कि 1929 में बैंक कोलैप्स एंड बिजनेस शटडाउन, बहुत सारे बैंक जो है उनका दिवालिया हो गया था, बहुत सारे बिजनेस जो है वो बंद होने लगे थे, मजदूर बेरोजगार हो गए थे, और जो मिडिल क्लास है, ठीक है, मिडिल क्लासेस ने क्या कर दिया, कहता है मिडिल क्लास जो है बिल्कुल लाचारी और भुखमरी की उनको डर सता रहा था। नासी प्रोपेगेंडा में एक अच्छे भविष्य की आशा दिखाई देती थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि 1929 में नाजी पार्टी को जर्मन की संसद का क्या नाम है, राइसकार्ट के लिए हुए चुनाव में लगभग सिर्फ 2.6 उनको परसेंट वोट ही मिली, ठीक है, कहाँ पर, रेचस्टैग में। 1932 तक आते आते ये देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी और उसे 37% वोट मिले थे, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखिए 32 तक वो बहुत बड़ी पार्टी बन गई थी और धीरे धीरे उसका जो है हर जगह कंट्रोल होने लगा था।
1928 में जो जर्मनी की पार्टी को जो है 2.6% से ज़्यादा वोट ही नहीं मिले जर्मन पार्लियामेंट को, ठीक है। तो 32 तक वो एक ही बहुत बड़ी पार्टी बन गई थी, उसको 37% वोट मिले थे। हिटलर वाज पावरफुल स्पीकर, हिटलर जो था बहुत पावरफुल स्पीकर था। हिज पैशन एंड हिज वर्ड मूव्ड पीपल, उसका जो पैशन था, जो उसका बहुत ही अच्छे से वो जो बोलता था, जो उसका जोश था, वो लोगों को बिल्कुल हिलाकर रख देता था, ठीक है, यानी लोगों को अंदर एनर्जी भर देता था। ही प्रोमिस्ड अ बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, और उसने लोगों को प्रॉमिस किया कि वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा। और वर्साई की जो ट्रीटी थी उसमें जो उसके साथ नाइंसाफ़ी की गई थी वो उसका बदला लेगा। और जर्मनी की जो जो पूरे वर्ल्ड में जो डिग्निटी थी, ठीक है, यानी जो उसका पूरा जर्मनी की जो एक छाप थी, ठीक है, यानी लोग उसकी तरफ जो प्रतिष्ठा थी उसे वापस दिलाने का उसने लोगों को आश्वासन दिया। और उसका वादा था कि जितने भी बेरोजगार हैं बेरोजगार को रोजगार दिलाएगा, और जो यूथ है उनको एक सुरक्षित भविष्य देगा, यानी उनको हर तरीके से उनका फ्यूचर सिक्योर हो। टू प्रोमिस टू वीड आउट ऑल फॉरन इन्फ्लुएंस एंड रेस्ट ऑल फॉरन कंस्पिरेसीज अगेंस्ट जर्मनी, और जितने भी उसने लोगों को ये आश्वासन दिया कि वह देश में जितने भी देश को क्या है विदेशों से मुक्त कराएगा, और यहाँ पर तमाम विदेशी साजिशों का जो है मुँह तोड़ जवाब देगा। हिटलर डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, उसने एक नई स्टाइल के पॉलिटिक्स को जो है उसकी स्थापना की, और वह लोगों को गोल बंद करने हेतु जितने भी आडंबर है, ठीक है, उनको क्या और जो उनका प्रदर्शन है उसकी अहमियत समझाता था, लोगों को बताता रहता था कि आप ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं वो क्या है कैसे है, ठीक है। नाजी हेल्ड मैसिव रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग टू डिमॉन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर एंड द इंस्टिल सेंस ऑफ यूनिटी अमोंग द पीपल, जितने भी नाजी थे नाजियों ने अपने बहुत सारा हिटलर का प्रचार किया, उसको एक मसीहा बताया, एक रक्षक के रूप में और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जो जनता को तबाही से उबारने में हेल्प करेगा, ठीक है, उसका जन्म ही इसलिए हुआ है। तो और नाजी हेल्ड मैसिव रैलीज, नाजियों ने क्या रैली निकालनी शुरू कर दी थी, ठीक है, उन्होंने बहुत सारी पब्लिक मीटिंग शुरू कर दी थी और हिटलर को सपोर्ट कर रहे थे, और वो लोगों को जितने भी आडंबर हैं जितने भी जो लोग हैं उसके बारे में आडंबरों के बारे में बता रहे थे, नहीं वो और हिटलर के प्रति जो उनका वो सपोर्ट कर रहे थे उससे उनके अंदर एक जो है पर एकता की भावना का उदय हुआ। नाजियों ने बहुत बड़ी बड़ी रैली जनसभाएं आयोजित की और स्वास्तिक छपे लाल झंडे जिनके ऊपर स्वास्तिक बना होता था या नाजी सैल्यूट, और जो भाषण था भाषण के बाद में विशेष रूप से तालियों की जो गड़गड़ा थी, ये सारी चीज़ें प्रदर्शन का हिस्सा थी। ने जो प्रचार किया था उस प्रचार के द्वारा हिटलर को एक मसीहा बताया था, एक रक्षक के रूप में या एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बनाया था जिसे जनता को तबाही से उबारने के लिए ही ज़मीन पर भेजा गया है, और एक ऐसे समाज की वो ऐसे समाज को यह छवि जो है बहुत ही अच्छी लग रही थी जिसकी प्रतिष्ठा जिसका जितना भी जो उसका जितना भी गर्व है वो सारा ख़त्म हो चुका था, ठीक है, यानी वो जितने भी उसके अंदर पावर थी वो सब ख़त्म हो चुकी थी, ऐसा है चकनाचूर हो गया था बिल्कुल ही। और एक भीषण आर्थिक और पॉलिटिकल जो क्राइसिस है उससे वो गुजर रहा था। ओके, नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का खात्मा कैसे हुआ। 30 जनवरी 1933 में जो प्रेजिडेंट
थे हिंडनबर्ग के, प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का जो पद था उसको संभालने का निमंत्रण दिया था। ठीक है, हाईएस्ट पोजीशन होती है ये कैबिनेट में, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर में। बाय नाउ द नाजी हैड मैनेज अ रैली एंड कंजर्वेशन टू देयर कॉज। और अब क्या था, जो नाजी था उन्होंने एक जो वहाँ का रेडिकल था उसने अपने अभियान में जितने भी थे उसको अभी में जोड़ने लगा था। ये हम ये कहें कि ये जो ग्रुप था, ठीक है, इसने नाजी को भी अपने अभियान में जोड़ लिया था। लेकिन क्या था, जो हिटलर था, सत्ता को प्राप्त करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की जो संरचना या संगठा जो थे, संस्थाएं जो थी, उनको भंग करना शुरू कर दिया। और फरवरी में जर्मन की जो संसद थी, संसद में जो अग्निकांड, रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और भी ज़्यादा आसान हो गया था। ठीक है, यानी वहाँ पर जो अग्निकांड हुआ था 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश के द्वारा जितने भी लोग थे उनको अभिव्यक्ति, प्रेस और सभा की स्वतंत्रता, जैसे कि नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया ना, या माइमर संविधान से इन अधिकारों को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर और शत्रु कम्युनिस्ट को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, मोस्ट ऑफ बॉम्ब वर ह्यूरिडली पैक्ड ऑफ द न्यूली इस्टेब्लिश्ड कंसंट्रेशन कैंप। और ज़्यादातर जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने रातों रात में भी कंसंट्रेशन कैंप को बंद कर दिया था। और जितनी भी कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्टों का बहुत ज़्यादा जो है उनका शोषण किया जा रहा था, उनका कम्युनिस्टों का दमन किया गया। लगभग द आउट ऑफ सर्विंग 6,800 अरेस्ट जो लोग थे उनको अरेस्ट किया गया। फाइल्स ऑफ डुसेलडोर्फ, ठीक है, कहाँ पर जो डुसेलडोर्फ थे वहाँ से उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। और लोगों की जो बची कुची फाइलें थी, यानी 608 जो फाइलें थी, वो फाइलों में से कि सिर्फ 1,440 कम्युनिस्टों की थी। ठीक है, यानी उनमें से 1,440 सिर्फ कम्युनिस्ट लोगों की थी। और नाजियों ने तो केवल कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, बल्कि उन्होंने 52 तरह के जो लोग थे उनको भी अपने जो है उसका भी दमन कर दिया उन्होंने। 3 मार्च 1933 को फेमस इनेबलिंग एक्ट पास किया गया। ठीक है, और ये क्या था, इस एक्ट के द्वारा जो जर्मनी में जो तानाशाही डिक्टेटरशिप थी उसकी स्थापना कर दी गई थी। इस कानून ने हिटलर और संसद को हाशिए पर धकेलने और सिर्फ दो अध्यादेश को जारी के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया था। ठीक है, यानी उनको बिल्कुल ही कि सारे उनको पावर दे दी गई थी उनको। इट गेव हिटलर ऑल पावर टू साइडलाइज पार्लियामेंट एंड रूल डिक्रेस। हिटलर को पार्लियामेंट को साइड में जो डालने की उन्होंने पावर दे दी थी। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियन वर बैंड एक्सेप्ट फॉर नाजी पार्टी एंड इट्स फैसिलिटी। और जितने भी नाजी पार्टी है या उससे जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं उनके अतिरिक्त राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर भी बिल्कुल पाबंदी लगा दी थी। इकोनॉमी की और मीडिया सेना या जो न्यायपालिका है उनका राज्य पर पूरा अधिकार हो गया था। ठीक है, ये सब जो है राज्य पर कंट्रोल करने लगे थे। स्पेशली सर्वेलेंस एंड द सिक्योरिटी फोर्स पर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वे देन नाजी वांटेड। लेकिन पूरे समाज में नाजियों जो था नाजियों के हिसाब से नियंत्रित
व्याकरण और उनको व्यवस्थित करने के लिए बहुत ज़्यादा निगरानी रखी गई थी, बहुत ज़्यादा सुधार दस्ते बनाए गए थे सुधार करने वाले, ठीक है। लेकिन क्या था, पूर्व में जो लोग थे वो हरी वर्दी पुलिस के लिए होती थी, स्टाफ्स जो थे स्टाफ ड्यूस के अलावा भी गोस्तप्पो एसएस और जितने भी एसडी थे उनका गठन किया गया। इन ये जो नई गठित पदवी थी, इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब जो है असामान्य अधिकार दिए गए थे, बहुत सारे अधिकार दिए गए थे, ठीक है। उनको मतलब उसकी कोई गिनती नहीं थी जिन तो उनको अधिकार दे दिए गए थे। जितने भी दस्ते थे दस्तों में बहुत सारे अधिकार थे और इसी के कारण नाजी राज्य को एक खूंखार जो है आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई थी उनको, ठीक है। यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खूंखार हो या अपराध करने वाला हो, हिटलर ऑल पावर टू साइलेंस ये जो पावर थी, ठीक है, इट वाज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक अधिकार थी, और न्यूली ऑर्गेनाइज फोर्स, नई जो फोर्स बनी थी उसके लिए, दैट गेव नाजी स्टेट रेपुटेशन एज मोस्ट ड्रेडिड क्रिमिनल स्टेट। और क्या हुआ था, इसकी वजह से नाजी को एक खूंखार जो स्टेट था, वो अपराध करने वाले स्टेट की जो है छवि प्राप्त हो गई थी। लेकिन क्या था, जो गोस्तापो जो थे, गोस्तापो के जितने भी यंत्र ग्रह थे वहाँ पर किसी को भी बंद किया जा सकता था, ठीक है। वहाँ पर जितने भी उनके जो रूम बनाए हुए थे वहाँ पर किसी को भी बिना किसी कारण से ही उनको बंद किया जा सकता था। पीपल कुड नाउ द डिमेन डेस्टो टॉर्चर चैम्बर, और जो लोग थे वहाँ पर जो टेस्टो ये गेस्टो टॉर्चर चैम्बर जो था वहाँ पर उनको भेज दिया जाता था, ठीक है, बंद कर दिया जाता। और ये जितने भी नए जो लोग थे किसी को भी कहीं पर भी यातना गृह में नहीं भेज सकते थे, और किसी को मतलब किसी को तो यातना गृह में, किसी को भी मर्जी में ही यातना गृह में भेज सकते थे, और किसी को भी बगैर कानून की कार्रवाई किए भी उनको जो है देश निकाला दिया जा सकता था या उनको गिरफ्तार किया जा सकता था। लेकिन क्या था कि द पुलिस फोर्स एक्वायर्ड पावर टू रूल विद एम्प्यूनिटी, लेकिन पुलिस फोर्स जो थी जो दंड का जो लोगों को डर था उससे दंड की डर से मुक्त पुलिस बलों ने जो है निरंकुश और जो निरपेक्ष शासन था उसको उसका अधिकार प्राप्त कर लिया था, ठीक है। यानी पुलिस को पावर आ गई थी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस्ड ऑन नेक्स्ट